अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री में से है। आज का टॉपिक है एक्वा रिजिया के बारे में। एक्वा रिजिया जो है ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हर साल अमूमन लग के आता है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। ये क्लास 9, 10, 11, 12 इन सभी ग्रेड्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड और इसके बाद दीगर बोर्ड्स को भी कवरेज करता है। अच्छा, अब आप सामने देख सकते हैं कि एक्वा रिजिया से मुतल्लिक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ एक्वा रिजिया, हाउ डज गोल्ड डिसॉल्व्स इन इट, गिव इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से पूरा आता हो। कभी कभार सिर्फ व्हाट इज़ एक्वा रिजिया के बारे में भी पूछा जाता है और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ किंग वाटर या व्हाट इज़ रॉयल वाटर, क्योंकि इसको जो है वो बोर्ड वाले ट्रिकी अंदाज में 2-3 क्वेश्चन के हिसाब से पूछते हैं, ठीक है, घुमा कर पूछते हैं वो। तो आपने दिमाग में ये रखना है कि ये क्वेश्चंस के थ्रू से आपसे काम लिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, सामने आप इसकी डेफिनेशन देख रहे होंगे। अच्छा, डेफिनेशन में आपको जो है वो डिक्टेट भी कर देता हूँ, पढ़ के भी बता देता हूँ। मिक्सचर कंटेनिंग 1 part बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड, ये नाइट्रिक एसिड है कंसनट्रेटेड जो कि 1 part लिया गया है इसका। इसके अलावा एंड 3 parts बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड लिया गया है। इट इज़ कॉल्ड एक्वा रिजिया, बस ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ठीक। इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़ा ही कारामद हो रहा होता है और सोनार इसका इस्तेमाल ज़्यादा ले रहे होते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्यूट बहुत ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा इट डिजॉल्व गोल्ड एंड अदर नोबल मेटल्स ड्यू टू लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के अंडर एक्शन आते ही लिबरेट होने, लिबरेट का मतलब होता है खारिज होना, इसकी लिबरेशन की वजह से जो है वो ईजिली गोल्ड जो है उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। 1:3 का रेशो रखता है, ये MCQs के अंदर बहुत आता है एक्वा रिजिया के बारे में, जो कि ऑप्शंस कुछ 3:1, 1:3, 1:4, 4:1 इस तरीके से जंबल करके देते हैं। 1:3 या 3:1 अगर हो तो वही इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस लिखा हुआ है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक, इसका आंसर आपको बिल्कुल इसी तरीके से देना चाहिए। पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं, इक्वेशंस पे नज़र रखिएगा, मैं पीछे से रिपीट कर रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड प्लस 3 part ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड है, 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि हम केमिस्ट्री में 1 को इग्नोर करते हैं, लेकिन 1 होता है, ठीक, सेम लाइक अलजीब्रा, इसलिए 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस 3 part ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग द प्रोडक्ट 2 molecules ऑफ वाटर प्लस नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस 2 molecules ऑफ क्लोरीन। दूसरे पे आपके पास जो है वो है AU स्टैंड फॉर ऑडम, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन सिंबल है जो कि गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड का लैटिन नेम है, ठीक। आपने ऑडम कहना है, ऑडम प्लस 3 molecules ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसिंग ऑरिक क्लोराइड, क्या कहते हैं, ऑरिक क्लोराइड, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। तीसरा आपके पास है ऑरिक क्लोराइड प्लस 1 part ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, ऑरिक क्लोराइड प्लस 1 part ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। यहाँ पे लीगंड बना रहा है, लीगंड, ठीक है, लीगंड बना रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक, होप यू लाइक इट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टॉपिक, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।